अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, हम रवान सफ़र हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तब हम आगे की तरफ निकल गए हैं कलर का हार से नारान की तरफ, नारान का गान की तरफ, और जाके हम स्टे किस तरफ करेंगे ये हम आपको रास्ते में बताएंगे। यकीन करें, इतनी खूबसूरती सारे रास्ते में, इतने प्यारे पहाड़ और ग्रीनरी के साथ जो ब्लू बादल हैं, वाइट बादल हैं, आसमान इतना साफ और इतना खूबसूरत कि बस बहुत खूबसूरत था। और बीच बीच में ये देखिए, आबादी स्टार्ट हो चुकी है, पहाड़ अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं लेकिन जो आबादी है इनकी वो स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत खूबसूरत जगह है सारी। और मुझे क्या लें कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि बीच में इतना शोर था, इतना शोर था। कोई बच्चा आगे आ रहा है, कोई पीछे डिगी में जा रहा है, किसी को खाना चाहिए, किसी को पानी चाहिए, उस हिसाब से जिस तरीके का शोर था, मैं काफ़ी चीज़ें बीच में मिस कर चुकी हूँ जो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई सिर्फ बच्चों की वजह से। बच्चे भी माशाल्लाह मेरे ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी अच्छे मोमेंट्स थे वो सब मैंने कैप्चर कर लिए हैं। देखें पहाड़ कितना खूबसूरत है, पहाड़ों पे इस तरीके की ग्रीनरी है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इतने लंबे लंबे दरख्त हैं, दरख्त जो हैं वो घास टाइप्स भी हैं और बहुत लंबे वाले भी हैं बीच में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो बहुत खूबसूरत दरख्त हैं, रास्ता बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा। और यहाँ मुझे, मैं देख के मतलब बड़ा शौक हो गई है, देखें इतनी बड़ी माशाल्लाह बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। तो हम कह लें कि मानसेहरा पहुँचने वाले हैं, उस हिसाब से देखें कितना माशाल्लाह कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये कोई प्लाजा टाइप है क्या है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये बहुत बड़ी हैं। और इस एक ही नहीं है, अभी मैंने आपसे शेयर किया ये दो तीन है यहाँ पे। तो बड़ी अच्छी जगह है ये सारी। जी तो ये देखें पहाड़ की खूबसूरती। और यहाँ पे नूरे अज़ल बहुत थक चुकी है और इसकी कोशिश थी कि मुझे कोई पीछे पकड़ ले, जबकि मैं इसको बोल रही थी चल चल मेरा बच्चा आगे बैठ दादा की गोद में। तो उस हिसाब से सफ़र लंबा हो तो बच्चे भी थक जाते हैं, हम लोग खुद बहुत थक गए थे। लेकिन जैसे ही हम बच्चों को देखते हैं खुश, और जैसे ही गाड़ी से उतरते थे बच्चे इतना इंजॉय करते थे कि हम सब भूल जाते थे कि अच्छा हम थके हुए हैं। बच्चों को देख के जो हमने इंजॉयमेंट की है वो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया हम सबको। तो आगे जी टनल आने वाली है 2, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ।
जी, तो ये सामने टेलन आ चुकी है और इसकी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है, 2528 मीटर जो है इसकी लंबाई है। और ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, अभी बाहर बहुत रोशनी है लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर गए हैं देखिए ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल रात है, इतनी खूबसूरत लाइटिंग कलर। और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि हम अंधेरे में आ गए हैं एकदम से। तो ये काफ़ी लंबी है, तो बाहर पहले ही उन्होंने एहतियाती तदाबीर जो लिखी हुई थी उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे लाइट डिम रखें अपनी और रफ़्तार को आहिस्ता रखें। तो पप्पो ने रफ़्तार भी आहिस्ता कर दी, बच्चों की पप्पो ने, और लाइट भी थोड़ी सी स्लो कर दी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी लाइट्स हैं। तो उस हिसाब से जो है ना माशाल्लाह बहुत मज़ा आया यहाँ पर भी। ये इसी रास्ते में मानसेरा के रास्ते में ये दो आती हैं, इस वाली की लंबाई बहुत ज़्यादा है और जो दूसरे वाली है वो बिल्कुल छोटी सी है। तो अभी जो है वो मज़ीद भी बना रहे हैं, रास्ते में भी काफ़ी हमें आई लेकिन ये है कि मामू बता रहे थे कि बीच में रास्ता एक न्यू बना रहे हैं वो, जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जो है ना वो जाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, तो जो काफ़ी किलोमीटर्स हमें सफ़र करना पड़ता है उसमें काफ़ी कम हो जाएगा। तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में शेयर करना आपको हमारे साथ सैर तफरी करके कैसा लगा। तो जी ये ख़त्म होने वाली है, सामने से रोशनी आ रही है। यहाँ पे भी मेरी कोशिश थी कि मैं सीधा सीधा आप लोगों से शेयर करती, वॉइस ओवर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे भी मेरे बच्चों के जो रोने धोने की आवाज़ें थी वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। और ये देखिए ये ट्रक की वजह से पर्पल लाइट कितनी खूबसूरत लग रही है साइडों पे। यार ये हम बाहर निकल चुके हैं और सामने का नज़ारा तो देखने के काबिल है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। यकीन करें हमारा तो वहाँ से आने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, और अगर हम कहते भी थे कि चले जाते हैं तो बच्चे कहते थे नहीं अभी एक हफ़्ता और रुक जाते हैं, चार दिन और रुक जाते हैं, लेकिन फिर घर वालों ने घर ही जाना होता है, कितनी देर रुक सकते हैं। तो फिर वापस आना था तो हम लोग आ गए। लें जी दूसरी भी स्टार्ट हो गई है और ये स्टार्ट होते ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए आगे से रोशनी पहले ही पड़ रही है, ये देखिए माशाल्लाह। बस जी ये हम निकल गए हैं बाहर और पुप्पो, बच्चों की पुप्पो ने इतना अच्छा ड्राइव किया कि जहाँ जेब की सारा रास्ता जान छूटी रही, नहीं तो मामू के साथ जेब को ड्राइव करना पड़ना था। और जैनब ने इतना अच्छा ड्राइव किया कि जेब को बिल्कुल छुट्टी मिल गई और वो पीछे बड़े सुकून से लेटे हुए थे ये कह के कि अच्छा मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ आप लोग चलते रहो बस। तो ये जी हम मानसेहरा पहुंच गए हैं। मानसेहरा का जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है और यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक स्कूल है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे असल में आ जाएं तो जाने का तो बिल्कुल दिल करता ही नहीं है। यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ के जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, हर चीज़ इतनी ख़ास है कि अगर आप आ गए हैं तो आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा कि आप यहाँ से जाएं। हैं यहाँ पे घर जो हैं इनके वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जी ये देखें माशाल्लाह पर्पल और बेबी पिंक का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है। और ये मानसेहरा का नूर स्कूल एंड कॉलेज है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं पहले ही बोल रही थी कि अगर हमारे एरिए में ये पिंक और ये पर्पल और ये ब्राउन, ये ऑरेंज, लाइट ब्लू, डार्क ग्रीन, ये सारे कलर अगर हमारी तरफ हो ना
तो लोग कहेंगे जी फला पेंडू है, फला ये वो इस तरह, लेकिन वहाँ पे यकीन करें पहाड़ की चोटी पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो छोटे छोटे घर हैं ना, इतने खूबसूरत लगते हैं देख के कि मतलब बंदा इमेजिन ही नहीं कर सकता कि इतने प्यारे। और हमारे इस तरफ अगर यही कलर हम लोगों ने किए हो ना, तो लोग हमें ताने मार मार के मार दें। लेकिन वो कहते हैं ना, हर इलाके की, हर जगह की एक अपनी खूबसूरती होती है। तो जी ये बस हम पहुँचने वाले हैं, हम जा रहे हैं नारान। नारान की खूबसूरती के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना इसका भी एक एक्सपीरियंस किया जाए, क्योंकि कुछ साल पहले हम लोग कलाम की तरफ गए थे, तो हमने सोचा इस साल नारान हो जाए। हो चुके हैं और ये हो गई है हमें रात पहुंचते पहुंचते, और हम सीधा आ गए हैं मून होटल की तरफ, और यहीं से अब हम खाना खाने के बाद जाएंगे होटल। तो ये जी ये व्यू है सारा मून होटल का, जो कि बहुत अच्छा है। अजल अजल आशी अब हम खाएंगे खाना, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम खाने में क्या खाएंगे। आप ही करो, हाय करो। हाय देवली, आप भी हाय करो। फ्रंट का कैमरा ऑन कर दो तो बच्चों के पोज और बच्चों की शरारतें जो है ना, वो ही नहीं ख़त्म होती। जैसा कि यहाँ मैंने ऑन किया हुआ था, तो आप सब देख ही चुके हैं कि क्या सीन चल रहा था। तो हमारा आ गया है डिनर, हमने मसाला राइस मंगवाए हैं, वाइट कढ़ाई है, और साथ में नान रोटियाँ और ये सब्ज़ी भी मंगवाई है। रायता भी बहुत मज़े का था। हाय अजल, हाय तैयब अली, हाय ऐसे तैयब, ऐसे हाय हाय नूरेजल, आप भी करो। हाय आशु, बाबा सो गए हैं, ये है शामली। तो जी रात के बज गए हैं 12, हम बच्चों को सुला गए, ये वाली हमारी आइटम नहीं सोई है, तो इसको हम साथ ले आए, और हम पीने जा रहे हैं कॉफ़ी, क्योंकि यहाँ आए और इतनी ठंड में चाय या कॉफ़ी नहीं पिए तो फिर कोई मज़ा नहीं है। तो हमने प्लान किया कॉफ़ी पीने का, तो हम तीनों जा रहे हैं कॉफ़ी पीने। ये हमारी कॉफ़ी आ चुकी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो जी यहाँ पे रात के टाइम भी इतनी अच्छी लाइटिंग है कि लग रहा है बिल्कुल दिन चढ़ा हुआ है। खूबसूरत मनाजर में फलक कापी को ऐड करते हुए होटल का फर्स्ट व्यू जी। तो गुड मॉर्निंग, और ये बहुत खूबसूरत होटल से बैक तरफ का व्यू है, और इसमें भी वॉइस ओवर में मेरा बहुत गला ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर सबसे बेस्ट है, तो ये बहुत खूबसूरत। तो ये फ्रंट वाले साइड से व्यू है, बहुत खूबसूरत सा नीचे दरिया है, और सामने बहुत अच्छे से होटल्स हैं, हमारा भी काफ़ी अच्छा था। तो ये देखें बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, दरिया बहुत खूबसूरत था, पानी बहुत ठंडा था इसका। बहुत अच्छा लग रहा था सारा कुछ, और यहाँ पर तैयब अली, मेरे अजय और हसाम अली बहुत इंजॉय कर रहे थे, जैसे उनको सारी समझ आ रही है कि ये क्या नेचर है और कितना खूबसूरत है। इसका नाम तैयब है, और ये मिला छोटा सा हीरो है। ओ